अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमरीन सलमान और आज संडे और एक अपडेट लेकर आई हूँ मैं फोन के बारे में। फोन आ गई थी पिछले वीक घर, थोड़ा टाइम नहीं मिल सका, मैं वीडियो नहीं बना सकी। आज जो वीडियो बेस कर रही है मेरी, वो इसके ऊपर कर रही है कि फोर्ड को घर लाने के बाद उसकी इंजन इंस्टॉलेशन के बाद क्या प्रोग्रेस है और मज़ीद इसमें क्या क्या करने वाले हैं ये लोग, स्पेसिफिकली पेंट के हवाले से, और कौन सी चीज़ें इंस्टॉल करेंगे, कौन सी चीज़ें मिसिंग थी, कहाँ कहाँ से मंगवाई हैं, वो सब चीज़ें हमें कौन बताने वाला है? शाज़े, हाँ जी, तो क्या अपडेट है? अब ये घर आ गया, घर के अंदर अब इसके फेंडर वगैरह सारा कुछ उतार दिए, ताकि ये जो फेंडर होते हैं यहाँ पे वो उतार के रख दिए पीछे वहाँ पे। क्यों उतार रहे हैं? ताकि जो मतलब अंदर गाड़ी के अंदर जंग है ना, वो सारा जंग खत्म हो जाए और अंदर से मतलब पूरी न्यू हो जाए। ये मतलब ठीक करेंगे तो फिर फेंडर को भी करेंगे, उसके बाद सारा रस्ट खत्म करेंगे, पहले उसके अंदर से करेंगे सारी चीज़ों से। तो और एसी भी इसके अंदर लगा रहे हैं, ये हिस्सा जो है ये भी इंग्लैंड से आ गया, और शीशे इसके जो हैं वो मंगवाए, सारा कुछ करा, वो उसके क्या क्या इंग्लैंड से मंगवा लिया कुछ चीज़ें यहाँ से। ऑब्वियसली इस चीज़ें जो हैं वो आपको पता है इस गाड़ी की स्पेसिफिकली। अब जब हम सलीका की सारी चीज़ें यहाँ से ही मिल जाती हैं, ठीक है, मिल ही जाती हैं कहीं ना कहीं से, किसी पेशावर से या हसन अब्दाल से, पता नहीं कहाँ कहाँ से मंगवाते हैं, लेकिन इसकी जो फोर्ड की चीज़ें हैं ना वो बहुत रेयर है, वो यहाँ से बिल्कुल नहीं मिल रही थी। और जो सीट्स हमने यहाँ पे इंस्टॉल करनी है, सीट्स भी हमें खुद लगवानी पड़ती थी, गल गई थी सारी, सारा उसका जो स्ट्रक्चर है इसकी, जो उसके तो स्प्रिंग्स लगे हुए थे है ना, वो भी सारे ख़राब हो गए थे, तो वो कैसे हमने उसको मैनेज करेंगे? हम जेन्युइन लगाएंगे या हमने और लिए? अच्छा, गाड़ी की सीट्स भी हमने नई ली हैं, ठीक है, और जो उसकी सरफेस थी, फर्श था, वो फर्श भी नहीं था, फर्श खत्म हो गया था सारा, फिर वो न्यू बना वेल्डिंग वगैरह कर। अरे वो बन गया, इधर लगाओ, घर तो आप इसको ले आए हो, अब इसको कैसे हमने मैनेज करना है, क्या करना है? स्पेयर सारी रस्ट खत्म करनी है, रस्ट लगी हुई है जो ये सारी रस्ट है ना, ये सारी स्मूथ हो जाएगी, नया पेंट हो जाएगा इस पे। और सोचते रहे यही रहे हैं कि जो इसका जेम कलर है और ऑरेंज वो करा रहे हैं, लेकिन नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि रेड और व्हाइट ही करने जरूरी है, रेड और व्हाइट। और उसका जेनुइन कौन सा कलर था? ऑरेंज था, तो ऑरेंज इसका जेनुइन कलर था। अगर मेरे पास इसकी कोई पिक्चर हुई देन आई विल शेयर विद यू गाइस। तो ऑरेंज के बजाय हम इसको रेड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन के साथ जो है मुझे लग रहा है कि ये बनने वाली है गाड़ी। और अभी इसकी जो चीज़ें चल रही हैं, एसी की इंस्टॉलेशन आप देख रहे हैं कि इसको अभी फिक्स कर रहे हैं, लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें, इसकी कटिंग की है अभी हमने यहाँ से, ठीक है, ये सारी कटिंग हुई है। और सलमान और कुछ बताना चाहेंगे आप पर्दे के पीछे से? जब इसकी इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के बारे में सोचा तो सबसे पहले हमने कहा कि इसकी डेंटिंग हो चुकी, तो डेंटिंग के लिए हमने दिया इसको वर्कशॉप के अंदर, तो वर्कशॉप में उन्होंने सही 6-7 महीने लगा के कंप्लीट इसकी डेंटिंग कर दी, जिसके अंदर से बहुत अच्छा इसका रिजल्ट निकला। पहले गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा डेंट्स थे क्योंकि वो खड़ी नहीं थी, तो इसका फर्श भी ख़त्म हो गया था, मतलब गिर गया था फर्श, बिल्कुल नहीं था, तो नया फर्श लगा इसके अंदर। तो मतलब जब मेरे पास गाड़ी आई थी तो मतलब पूरा इसका ऊपर से ही था टॉप, बाकी नीचे कुछ नहीं था इसका, तो सारा काम हो गया 6-7 महीनों में। उसके बाद मैंने दी गाड़ी उसके अंदर वर्कशॉप में इंजन के लिए, इसके अंदर फिर इंजन डला 1.64 थ्रॉटल। जब इंजन डल गया तो अब ये इधर आ गई है गाड़ी, अब हम इसके ऊपर पेंट का काम कर रहे हैं और ये एसी का भी काम हो रहा है। और जो फेंडर है इसका ये उतारा है हमने, ताकि अंदर से जो सारा वो है इसके, उसको भी हम पेंट करते हैं इतना। इसका जो जेन्युइन इंजन था वो था 1000 cc पेट्रोल, फिर मैंने कहा कि इसके अंदर हम डालते हैं 4 cylinder 1.6, जो कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट कार्स और स्पोर्ट्स कार जैसे कि 86 और पुरानी 80s के क्रोला के अंदर यूज़ होता है, उनको ज़्यादा मतलब बूस्ट अप करने के लिए। इसके अंदर अब
अपग्रेडेशन करने के बाद इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसकी मजीद पेंट का अमल जब शुरू करने लगेंगे तो जरूर आपको दिखाएंगे। करने से सस्पेंशन जैसे कि आप देख सकते हैं ये गाड़ी ना ईंटों के सहारे खड़ी है। अच्छा, इसे सस्पेंशन भी चला गया वो सारा खराब हो गया था, इसलिए उसको रीबिल्ड होने के लिए भेजा है। वो जब आ जाएगा तो अगली वीडियो में हम आपको इसके मजीद चीजें बताओगे, ठीक है। इसकी खिड़की, इसके दरवाजे, इसके शीशे, ये सारे वो अंदर पड़े हैं शीशे। अच्छा, शीशा भी हमने मंगवाया था यूके से आ गया, राइट। कोई और चीज तो नहीं है मिसिंग? सारा कुछ आ गया, बस ठीक है। इसकी सारी चीजें तकरीबन कंप्लीट है। अब रह क्या काम गया, कारीगर का काम रह गया और कुछ हमारी तरफ से सुस्ती हो जाती है सामान, लेकिन क्योंकि रमजान चल रहा है थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको हम तकरीबन एक महीने में इंशाल्लाह ताला क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।